लॉ, थर्ड लॉ, तीन लॉज है, वो तीन लॉज पे ही सारा खेल रहेगा, सिर्फ वो फोर्स थोड़ा सा चेंज होने वाला है। यस, तो किस तरह से चेंज होगा? हैव अ लुक हियर, ये एक स्प्रिंग है एज सीन इन द फिगर, ये एक स्प्रिंग है यहाँ पर, दिस इज अ स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को हमने एक मास अटैच कर दिया एम। ठीक है यार, कॉमन सेंस बोलो या नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम इस मास को मूव करेंगे थोड़ा आगे थोड़ा पीछे तो वो बाउंस बैक करता है। इस मास को पकड़ के मैं स्ट्रेच करता हूं। अच्छा, उससे पहले ये यहां पे अभी बैठा हुआ है अच्छे से, दिस इज कॉल्ड एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन, शांति से बैठा हुआ है स्प्रिंग, ओके, शांति से बैठा हुआ है मास भी, आपका मास, ये जो मास है वो और ये जो स्प्रिंग है वो दोनों चुपचाप से शांति से अच्छे से प्यार से बैठे हुए हैं, मतलब नेट फोर्स जीरो है भैया, एफ नेट ए जीरो, कोई किसी पे फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई भी किसी पे भी फोर्स नहीं लगा रहा है। एज सुन एज यू डू समथिंग, जैसे ही तुम कुछ कार्य करते हो, क्या कार्य किया हमने, इसको पकड़ के हम इधर खींचे, है ना, क्या किया हमने, स्ट्रेच किया स्ट्रिंग को पीछे की तरफ खींचा, जैसे ही हम पीछे खींचते हैं, मैंने अभी पकड़ रखा है उसको और छोड़ा तो वो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चला गया, वो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चला गया, भाई मैंने तो फोर्स नहीं लगाया उस पे इधर की तरफ, तो किसने लगाया, अरे किसी ने तो लगाया होगा, यहां पे है, हमने उसको इधर खींचा और बस छोड़ दिया, अरे इधर चला गया, किसी ने तो लगाया होगा, कोई नहीं है भैया उधर, कोई नहीं है, मतलब स्प्रिंग ने लगाया, अरे मतलब स्प्रिंग ने लगाया है, राइट, अच्छा ठीक है, समझ में आया सबको, पर यहां देखो, अब इस बार हम ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में बैठा है और इस बार हम इसको पकड़ करके अंदर की तरफ कॉम्प्रेस करेंगे, अंदर की तरफ कॉम्प्रेस, इधर की तरफ कॉम्प्रेस कर दिया, यस, और छोड़ दिया, तो उस पे इधर की तरफ किसी ने तो फोर्स लगाया, ऐसा नहीं हुआ कि वो वहां जाके चिपक गया, नो, यार सीधी सी बात है, इधर की तरफ आएगा, मतलब किसी ने तो इधर की तरफ फोर्स लगाया, है ना, तो देखो ये जो जहां पर अभी बैठा हुआ है इसको बोलते हैं मीन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन, कुछ भी बोल दो आप, मीन पोजिशन, मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है अभी फिलहाल, ये इसका घर है जीरो, ओरिजिन पे वो बैठा हुआ, जब आप उसको इधर की तरफ स्ट्रेच करोगे तो हमने उसको डिस्प्लेस किया इधर की तरफ, हमने उसको डिस्प्लेस किया इधर की तरफ और छोड़ने के बाद इधर की तरफ वो चला गया, तो बच्चों हमने क्या किया, बेसिकली हमने उसको डिस्प्लेस किया इधर की तरफ इतना, दिस वॉज द डिस्प्लेसमेंट, सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट था इस डायरेक्शन में, यस गाइस, तो उसके ऊपर फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, एक फोर्स उसके ऊपर लगा ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में हमने उसको डिस्प्लेस किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने फोर्स लगा, मतलब उसको अपनी मीन पोजिशन पे वापस आना है ना, हमने उसको डिस्प्लेस किया, उसको अपनी मीन पोजीशन पे वापस आना है, इसलिए स्प्रिंग ने खुद ही पर या उस मास पर एक फोर्स लगाया ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, कि भाई मुझे डिस्प्लेस मत करो, मुझे अपने घर वापस जाना, क्लियर है, कितना फोर्स लगाया वो हम देखेंगे, उसका टेंशन नहीं है, ये क्लियर है, एनीबडी एनी डाउट, आगे बढ़ू, आगे बढ़ा जाए, ओके, सर, वो जो ऑपोजिट फोर्स है, हाँ, वो ऑपोजिट फोर्स है, वो सूडो फोर्स है। नहीं, दैट इज अ रियल फोर्स, रियल ओके फोर्स, वो स्प्रिंग ने लगाया, सर, दिख रहा है ना, दिख रहा है, राइट, किसी ने तो उसको इधर यस खींच सर, लिया, किसने, एक्सटर्नल किसी ने तो खींचा, किसने, स्प्रिंग ने, स्प्रिंग फोर्स, यस ने, इट सर। इज नॉट सूडो फोर्स, यस, एक्चुअल मोशन हो रहा है, सूडो फोर्स में कोई फोर्स दिख रहा था नीचे की तरफ, नहीं, हम लगा यस रहे सर, थे ऐसे ही एडजस्टमेंट करने के लिए, है ना, यहाँ दिख ओके रहा है भाई, है ना, सरे आम जश्मदीर गवाह है हम सब लोग कि दिख रहा है, तो सुडो नहीं है, दिख रहा है, अच्छा अब इसका ये मीन पोजीशन है ना, मीन, अरे 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 रुक जा, रुक जा, रुक जा,
ये मेन पोजीशन पे रुक गया अभी, लेट्स से, है ना, ये इसके मेन पोजीशन पे रुक गया, x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंप्रेस करते हैं, जरा इसको कंप्रेस करो इधर, मतलब हमने उसको इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, उसके घर से इधर डिस्प्लेस कर दिया, है ना, वो फिर से अपने घर पे आना चाहेगा। देखो अभी ऐसे ऐसे हो रहा है, इस पूरे चैप्टर में हम अज्यूम करेंगे कि ऐसे ऐसे वो ऑसिलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन का एक सेपरेट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पूरा की पूरा चैप्टर आएगा स्प्रिंग के ऑसिलेशन पे, है ना, तो पूरा चैप्टर बार बार नहीं बोलूंगा। हम अज्यूम करेंगे कि यहां लाए हमने, डिस्प्लेस किया उसको, और जैसे ही छोड़ा वो बस अपनी जगह पे वापस आकर के रुक गया, वो बस अपनी जगह पे वापस आकर के रुक गया। हमको बस फोर्स से लेना देना है कि हाँ भाई इधर की तरफ फोर्स लगा, तो हमने उसको डिस्प्लेस किया इधर बाय डिस्टेंस एक्स, तो इधर की तरफ स्प्रिंग ने एक फोर्स अप्लाई किया एफ, स्प्रिंग ऐसे लिख दूंगा मैं उसको हमेशा, द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इधर डिस्प्लेसमेंट तो इधर फोर्स, इधर डिस्प्लेसमेंट तो इधर की तरफ, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर रहा तो इधर फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर रहा तो इधर फोर्स लगेगा। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, छोटा मोटा हल्का फुल्का कुछ भी? अब बात आती है यार, ये फोर्स कितना है और किस चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स कितना है और किस चीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम जाते हैं जरा हमारे पे और कुछ लिखे। अगर ये देखो डायग्राम बना दिया मैंने आपके लिए, ओके, यहाँ पे खींचने का डायग्राम बना रखा है सिर्फ, दिस इज द मीन पोजिशन, दिस इज द मीन पोजिशन। यहां से देखो एक्स डिस्प्लेस किया इधर की तरफ, तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया, एफ एक्सटर्नल जो हमने लगाया इधर की तरफ, तो स्प्रिंग ने लगा दिया उसके ऑपोजिट में एक फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, राइट। अब दिस इज स्प्रिंग फोर्स, माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है दैट द स्प्रिंग फोर्स इज ऑपोजिट, स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन का और कोई मीनिंग नहीं है कि वो बोलेगा भाई अगर तुम इधर डिस्प्लेस करोगे तो मैं आपके ऑपोजिट में फोर्स लगाऊंगा, तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये दर्शाता है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। के भैया के क्या है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा लिख करके भी बता देता हूं आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, देखो यार छोटा सा डिस्प्लेस करते हैं इसको, ध्यान देना, ओके ध्यान देना, यहां पे है अभी फिलहाल, मैं बस इसको इतना सा डिस्प्लेस करता हूं। यस, कीप योर ऑब्जर्वेशंस वेरी स्ट्रांग, आंखें खुली, दिमाग ओपन, इतना डिस्प्लेस करते, है ना, तो स्पीड देखना भाई उसकी। ओके, बस यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया यहाँ और छोड़ दिया, ओके और छोड़ दिया, तो धीरे से गया, ऐसे धीरे से गया, मतलब थोड़ा कम फोर्स लगा होगा, अरे धीरे से रिटर्न। अब जरा डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दो, डिस्प्लेसमेंट बहुत सारा कर दो, ओके रुक जा भाई, अरे रुक जा, ये आया इतना डिस्प्लेसमेंट किया, छोड़ दू, बहुत ज्यादा फोर्स से इधर की तरफ गया, क्लियर ऑब्जर्वेबल फैक्ट, यस सर, क्लियरली ऑब्जर्वेबल फैक्ट है, यस नो एवरीबॉडी, है ना। अच्छा बीच में लाते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा और ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, बाद में यूज हो जाएगा, ठीक है, ये पकड़ा यहां तक लेके आओ, तो मीडियम पेस से जाएगा यहां तक लाया, तो मतलब जितना ज्यादा हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। एवरीबॉडी यू कुड ऑब्जर्व दैट, आई एम श्योर, या नहीं तो बताओ, फिर से बता दूंगा। ओके, ये सर करता जो फोर्स है वो
कैन आई से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यार ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमको हटाना है और इक्वल टू साइन डालना है, तो हम इक्वल टू साइन डाल करके एक कॉन्स्टेंट डालते हैं हमेशा के लिए, ओके, माइनस माइनस क्यू ऑपोजिट, है ना, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यस। एक्स क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, मीन और के क्या है, के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। किस पे डिपेंड करता है ये के, ये डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे, स्प्रिंग के मटेरियल पे। यार मुझे बताओ एक चीज, एक बहुत थिक स्प्रिंग है, जैसे तुम्हारे साइकिल का शॉकअप होता है, साइकिल पे बैठते हो नीचे शॉकअप होता है ना, वो भी तो एक स्प्रिंग है यार, यस और नो, क्या उसको इजीली स्ट्रेच कर पाओगे, वो इजीली स्ट्रेच नहीं होगा, है ना। या एक हल्का फुल्का स्प्रिंग ले लो यार, अभी हमने जैसा देखा, ए आसानी से ऐसे ऐसे चींटी की तरह चींटी भी पकड़ के उसको स्ट्रेच कर देगी, मतलब जितना फोर्स लगने वाला है या जितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो स्प्रिंग पे भी डिपेंड करेगा कि भैया रिवर्स ऑर्डर में कितना फोर्स आप लगाने वाले हो, राइट। सो के वो दिखाता है स्प्रिंग का मटेरियल कितना स्ट्रांग है, उसमें कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, या बहुत हार्ड है या बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई थिक स्प्रिंग रहेगा कोई थिन स्प्रिंग रहेगा, उस पर डिपेंड करता है के का वैल्यू, और उस हिसाब से फोर्स लगाएगा वो स्प्रिंग, क्लियर है स्प्रिंग फोर्स, है ना। बस दैट्स इट, विद दिस मच नॉलेज यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट हम लोग काफी सारी चीजें इसमें देखेंगे, समझ में आ रहा है। सर इसका कोई वैल्यू है किस चीज का, के का, के का वैल्यू, के का वैल्यू तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, हर टाइप के स्प्रिंग का अलग वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ओके okay? इसका कोई वैल्यू नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इट डिपेंड ऑन द मटेरियल, कौन से टाइप का स्प्रिंग है, क्या मटेरियल है स्प्रिंग का, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है, एवरीवन क्लियर है, कोई डाउट किसी को छोटा मोटा, नहीं आगे बढ़ा जाए फिर। अच्छा तो एक चीज याद रखना है सिर्फ, इस स्प्रिंग का जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अच्छा ये मैं बाद में बताऊंगा, आ जाओ फिर क्वेश्चन, चलो यार बिफोर यू गो टू द क्वेश्चन, ध्यान देना, एक एफबीडी बना देता हूं फिर उसके बाद में समझाऊंगा, क्वेश्चंस पे जाएंगे हम। ये एक सरफेस है प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर एक स्प्रिंग रखा है ऐसे, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ऑब्जेक्ट का मास है m, ऑब्जेक्ट का मास है m, ये दीवार है ये भी सरफेस, परफेक्ट इक्विलिब्रियम पे रखा है, ऑल वेल ऑल गुड, सब अच्छे से चल रहा है, बीच में से आकर के किसी ने काढ़ी किया और इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया f इधर की तरफ, है ना, एक फोर्स लगा दिया f इधर की तरफ, तो स्प्रिंग लगाएगा इधर की तरफ एक फोर्स इक्वल टू माइनस kx। अब हम बार बार माइनस साइन कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस की हमको जरूरत नहीं है, माइनस साइन क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो हमको तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, बस पता है ना, पता होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स इट। तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट्स से ये डिस्प्लेस हो करके फोर्स की वजह से यहां पर आ गया, ओके, तो इस टाइम पे इस पे लगेगा इधर की तरफ एक फोर्स माइनस, समझ में आया। तो अब जो भी एफबीडी अब तक तुम बना रहे थे, अगर कहीं भी स्प्रिंग दिखता है, राइट, तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगा देना माइनस के एक्स, पीछे की तरफ माइनस के एक्स एक और फोर्स लगा देना, बाकी सब रिमेन्स एज इट इज, है ना। बट अब कॉम्बिनेशन आ जाएंगे कभी स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ ये, अरे यार वही अगर एक स्ट्रिंग होता गाइस, वही अगर एक स्ट्रिंग होता, है ना, ये स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, यस, और
और लेट्स से इसका एफबीडी बना, एफबीडी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक एमजी नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक फोर्स हमने इधर लगाया और पीछे के डायरेक्शन में माइनस किए। यार इसमें भी तो वही करते थे, एमजी नीचे की तरफ है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, यस, और इधर की तरफ हम टेंशन लिखते थे, तो बस टेंशन के बदले के एक्स लिख देना, टेंशन के बदले के एक्स लिख देना, दैट्स इट, और कोई टेंशन नहीं है। ओके, एंड चेंज इन लेंथ इज इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, चेंज इन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, व्हिच इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, का लेंथ में जो चेंज हुआ है उससे प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर है सब लोगों को? यस yes? अच्छा क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो काफी चीजें और क्लियर होते जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। अभी तक कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ू। नथिंग, चलो लेट्स गो अहेड। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 m, ऑफ नेचुरल लेंथ 2 m। अच्छा चलो, एक वो डायग्राम जो था वो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाला है ना, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन कुछ इस तरह से, यहाँ ध्यान देना यार एक बार अच्छे से, एकदम अच्छे से। ओके चलो, ये दो बच्चे हैं, एक राम एक श्याम, एक राम है एक श्याम है। राम स्प्रिंग को इधर खींच रहा है, या श्याम इधर खींच रहा है, राम इधर खींच रहा है, स्प्रिंग को इधर की तरफ पुल किया, इसने उसका डिस्प्लेसमेंट किया x1 इधर की तरफ, और इस भैया ने उसका डिस्प्लेसमेंट किया x2 इधर की तरफ। व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, है ना, राम श्याम दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं, या चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई थी बताई देता हूँ उसपे से, ये दोनों, अच्छा इससे भी पहले यहाँ ध्यान देना आपको इस वाले एग्जाम्पल, जब ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे टेंशन कितना है टी, 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 वैसे ही यहाँ पे फोर्स कितना है एफएक्स, के एफ के एक्स, यहाँ पे फोर्स कितना है के एक्स, यहाँ पे फोर्स कितना है के एक्स, यहाँ पे फोर्स कितना है के एक्स, हर जगह सेम फोर्स लग रहा है भाई, हर जगह सेम फोर्स लग रहा है, हर जगह सेम फोर्स लग रहा है। ओके मतलब क्या है इसका, यहाँ देखो अलग अलग फोर्सेस नहीं लगाता। ओके इसने इसको इधर धकेला, कितना फोर्स लग गया, राम के ऊपर या श्याम के ऊपर स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया, कोई बताएगा मुझे? राम के ऊपर और श्याम के ऊपर स्प्रिंग ने कितना फोर्सेस लगाया, एनीबडी? हेलो गाइस, आवाज आ रही है? के K1, K2, एक्स वन ओके and K2. के एक्स टू है ना, चल इसीलिए तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, गलत और ये भी गलत है ना। हमने क्या बोला, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। बच्चों चेंज इन लेंथ कितना हुआ, अरे चेंज इन लेंथ कितना हुआ बताओ, सर एक्स वन चेंज, सिक्स टू एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, राम ने x1 खींचा, श्याम ने x2 खींचा, चेंज इन लेंथ इज x1 प्लस x2। आप चाहो तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख करके रख सकते हो अपने पास, f इज इक्वल टू माइनस k डेल्टा x, डेल्टा x इज चेंज इन लेंथ, आपको चेंज इन लेंथ देखना है, तो भैया टोटल चेंज इन लेंथ कितना हुआ x1 प्लस x2, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना बनेगा, स्प्रिंग का फोर्स बनेगा k x1 प्लस x2 है ना, और स्प्रिंग ने राम पे लगाया, अच्छा सॉरी राम पे नहीं, उल्टे डायरेक्शन, ऐसे राम पे लगाया इतना फोर्स, और शाम पे भी लगाया इस डायरेक्शन में इतना फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इधर और इस बंदे पे स्प्रिंग फोर्स इधर, लेकिन दोनों के ऊपर इतना फोर्स लगेगा है ना, KX1 नहीं लगेगा इस पे और इस पे KX2 नहीं लगेगा, ऐसा क्यों नहीं लगेगा, मैंने अभी अभी तुमको बताया भाई, स्प्रिंग फोर्स हर जगह सेम होता है,
स्प्रिंग फोर्स हर जगह सेम होता है, तो अगर हर जगह सेम है बच्चों तो यहां पे इसके ऊपर अलग और यहां पे इसके ऊपर अलग कैसे लग सकता है? पॉसिबल नहीं है, है ना? दोनों के ऊपर सेम लगेगा और वो होगा इतना। बोलो आई सर बात समझ एवरीबडी? ये हाँ यस। बट अगर कोई एक पर्सन ज्यादा जोर से खींच रहा है स्किन स्ट्रिंग स्प्रिंग को तो हाँ मैडम, तब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 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 स्प्रिंग फोर्स के लिए तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, ये है क्या कहीं पे फॉर्मूला में? स्प्रिंग फोर्स ऐसा है क्या, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स इंटू एफ एक्सटर्नल वगैरह, ऐसा कुछ है? नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कितना डिस्प्लेस किया आपने उसको, आपने उसको उसकी जगह से कितना डिस्प्लेस किया, है ना? कितने फोर्स से डिस्प्लेस किया उसको, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो एक बंदा जोर से खींचो, धीरे खींचो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स वन एक्स टू, काम खत्म। लेकिन देन अगर एक बंदे ने ज्यादा डिस्प्लेस किया देन हाँ द वन तो एक साइड पे ज्यादा फोर्स होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है ना, जरूरी थोड़ी है। अरे डिस्प्ले ज्यादा किया तो शायद ज्यादा टाइम तक खींचा है, ज्यादा टाइम तक खींचा है, आपको कहीं पर भी इस बच्चे ने कितना फोर्स लगाया इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना? इसका लेना देना है, अच्छा देखो, अच्छा देखो, है ना? ये हमारा स्प्रिंग लेते हैं, हमारा स्प्रिंग लेते हैं, ओके? मैंने इसको बहुत डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक बहुत धीरे धीरे फोर्स लगा रहा हूं, एकदम धीरे 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 फोर्स लगा के यहां तक डिस्प्लेस किया, यस? और आप आए और आपने इसके मीन पोजीशन से ही इसको बहुत जोर से लात मारी, बहुत जोर से, है ना? और ये यहां तक आ गया, यहां तक ही आया, तो क्या वो रिटर्न अलग अलग फोर्सेस से आएगा या सेम फोर्स से आएगा? यस मैडम, आर यू गेटिंग द फील ऑफ इट? सर यस। देखो एक छोटा बेबी आया, छोटा बच्चा, उसने उसको धीरे 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 यहां तक लेके गया और छोड़ दिया, राइट? और दूसरे आप आए और आपने जोर से उसको यहां पर पुश कर दिया और छोड़ दिया, तो भी यार वो वैसे ही जाएगा रिटर्न में, तो इट हैज नथिंग टू डू विद किसने कितना फोर्स लगाया, वो बोलेगा कितना मुझे डिस्प्लेस किया और मुझे अपने मेन पोजीशन पे जाने के लिए क्या करना है। दैट्स इट। तुमने मेरे साथ क्या किया भूल जाओ, मैं ये जानता हूं कि मुझे अपने साथ क्या करना है ना? दुनिया जालिम है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं ये जानता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं, ये बात समझ? बट देन अगर एक बंदे ने ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया देन द अदर तो तो क्या है? स्प्रिंग पे यहाँ पे मैंने x1 x2 लिखा है ना, यहाँ पे x1 x2 लिखा है, भाई उसको तो अपने मीन पोजीशन पे आना है, वो बैलेंस करेगी अपने आप को, है ना? यस। देखो टोटल सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप बोलोगे इसने ज्यादा डिस्प्लेस किया तो ये पार्टिकल्स ने ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए और ये पार्टिकल्स ने कम फोर्स लगाना चाहिए, यस? ऐसा नहीं है यार, है ना? आपके पैरों में दर्द होता है तो पूरा बॉडी सफर करता है इक्वली, यस और नो? मेंटली परेशान हो जाते हो, खाना खाने का मन नहीं करेगा, फीवर पूरे बॉडी में चढ़ेगा। सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू डिफरेंट एग्जांपल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, ओके? स्प्रिंग को यस मतलब है अपने जगह पे आने की, और सबके सब पार्टिकल्स उसमें मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है कि इधर के पार्टिकल्स ज्यादा मेहनत करेंगे, इधर के पार्टिकल्स कम मेहनत करेंगे, ओके? सारे के सारे लोगों के पास वो मैसेज जा रहे हैं पार्टिकल्स के थ्रू कि भाई हम पे इतना फोर्स लग रहा है, हम पे इतना, तो टोटल फोर्स पूरा डिवाइड होएगा सारे पार्टिकल्स के अंदर। मैडम क्वेश्चन है, और इफ यू वांट टू गिव मोर एग्जांपल लेट मी नो, आई विल ट्राई इन दैट। नो सर फाइन यस। समझ तो कोई फर्क नहीं, सब लोग इक्वली डिस्प्लेस, मतलब फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा। और पता है इसीलिए तो ये के हमने यहां ले रखा है, ये के सारा मैनेज कर लेगा, क्योंकि
क्योंकि वो ही है जो मैसेज पास करेगा ऐसे समय। यस, तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पूरे स्प्रिंग में सेम फोर्स एक्ट करेगा, वही तो मैंने बताया के एक्स दो अलग जगह पे अलग फोर्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, आ जाओ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर। ये देखो दो ब्लॉक्स है और 2 मीटर की उनके बीच में एक स्प्रिंग लगी है, मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे वो लोग बैठे हैं। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 2000। के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दी रखी है 200 न्यूटन पर। ओके, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ए, इफ ब्लॉक ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। एनीबडी, दे आर बोथ डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, है ना? स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, कोई बताएगा फट से? हाँ, सर शायद से उतना ही होगा, उतना उतना ही होगा। ही मतलब उतना फोर्स, मुझसे सीखना है, वैल्यू बताओ। अरे 0 होगा 0, जीरो। जीरो यस भाई, सर, दोनों के दोनों ब्लॉक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये एक ब्लॉक, दोनों सेम डायरेक्शन में गए। अरे तो स्प्रिंग का लेंथ कहाँ चेंज हुआ? अरे भैया ये भी इधर मूव हुआ 0.5, ये भी इधर मूव हुआ, ये पूरा के पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे आ गया ऐसे 0.5 मीटर से। तो दोनों ब्लॉक को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। अरे स्प्रिंग का लेंथ तो अभी भी 2 मीटर ही है ना भैया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग तो 0 हो गया। समझ में आ रहा है? या दोनों एक साथ इधर आए? अरे तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो अगर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो 0। बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यार कोई मतलब ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ? यस। अच्छा, सेकंड, यस सर, इफ बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी आर डिस्प्लेस 0.5 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब कुछ होगा, अब कुछ। तो इसको इधर खींचा हमने और इसको इधर खींचा 0.5 से, यस, दूर खींच लिया, तो ये 0.5 से यहां गया और ये 0.5 से इधर गया, तो स्प्रिंग का लेंथ बताओ कितना होगा? न्यू 3 मीटर। इधर 0.5 से लंबा हो गया, इधर 0.5 से लंबा हो गया, तो कितना फोर्स एक्ट करेगा? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, यस समवन प्लीज टेल मी कितना? माइनस kx माइनस 200, माइनस को छोड़ देना है, आपको टेंशन नहीं। इनटू इनटू क्या लिखू? वन वन, चेंज इन लेंथ, चेंज चेंज इन लेंथ कितना हो गया? वन। अरे 2 से 3 हो गया ना, सो 200 न्यूटन। डायरेक्शन बताओ, इधर की तरफ और इधर की तरफ, माइनस एक्स माइनस, ये माइनस साइन छोड़ देना, वो बस डायरेक्शन बताता है, तो डायग्राम में बता दू, है ना? व्हाट इज अनदर ऑप्शन भैया? अनदर ऑप्शन इज कि कॉम्प्रेस कर दो दोनों को। भाई कॉम्प्रेस कर दो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम, यस। अरे इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन, देख लो यार, ये इधर से पुश किया, इसको इधर से पुश किया, अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो ये 2 मीटर से 1 मीटर हो जाएगा। अभी भी चेंज इन लेंथ कितना है? 1। हेलो, यस नो एवरीवन? तो अभी भी चेंज इन लेंथ 1 है, तो यस स्प्रिंग सर, फोर्स कितना होगा इन दैट केस आल्सो? 200 न्यूटन। बट अब डायरेक्शन उल्टा रहेगा, अब ये स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इधर की तरफ, माइनस kx माइनस, इस केस में बच्चों ये स्प्रिंग इधर की तरफ लगाएगा माइनस kx और ये इधर की तरफ। समझ में आ रहा है सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए मुझे, ताकि यस सर, यस सर, आगे कोई भी टेंशन ना हो। क्लियर? तो आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। यस सर।
चलो आ जाओ अगले सवाल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखो तो। अगला सवाल बोल रहा है फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 100। ओके मतलब के की वैल्यू दे रखी है, टेंशन नहीं हमेशा देंगे। ओके 100 न्यूटन पर मीटर। इफ अ 10 kg ब्लॉक अटैच्ड विद द स्प्रिंग इज एट रेस्ट देन फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। यार ये मास लगा दिया इसको, अरे मास लगा दिया अगर इसको तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा अपने नॉर्मल। अरे देखो ये स्प्रिंग है सिर्फ, ओके इसको अगर तुम मास लगा दोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा लंबा, हाँ कि नहीं? कॉमन सेंस है ऑब्वियसली, यस। और हम अज्यूम करेंगे कि वो फिलहाल वापस नहीं जा रहा है, इक्विलिब्रियम ऐसे यहाँ आके रुक गया 1 सेकंड के लिए। तो बोल रहा है फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ये एक्सटेंशन हो गया तो ये आपको फाइंड करना। हाँ कैसे करेंगे यार, फोर्स इक्वल्स मास इनटू ग्रेविटेशन। यहां देखो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ इन दिस स्टेट, इस स्टेट में यहां लाओ उसको, और यहां लाने के बाद उसका एफबीडी बनाओ, यहां लाने के बाद उसका एफबीडी बनाओ। क्या फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं? नीचे की तरफ 10 g, ऊपर की तरफ के। अरे स्प्रिंग ऊपर लेके जाएगी ना उसको, तो ऊपर की तरफ के एक्स, हाँ कि नहीं? हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, एक्स निकालना है। ओके एक्स इक्वल टू 10 × 10, 10 g, यस एक्स इज इक्वल टू 100/100 व्हिच इज इक्वल टू 1 m। दिस इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। हाँ बोलो। तो हम इसको मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स जी ओ तो ओ ओ ओ ओ हेलो मैडम, इक्विलिब्रियम बोला मैंने। तो यहाँ हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ हम ऐसा फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ओके यहाँ हमने क्या अज्यूम किया, यहाँ हमने अज्यूम किया कि ब्लॉक को मैंने नीचे खींचा और पकड़ के रखा है, या छोड़ दिया, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए तो रुकेगा, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वापस जाने से पहले उस पोजीशन का एफबीडी बनाओ, है ना, कि अब वो इक्विलिब्रियम में फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। तो उसको स्ट्रेच किया, अब वो इक्विलिब्रियम में आया, है ना, उस मोमेंट पे जब वो जस्ट ऊपर जाने वाला होगा तब नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ kx, है ना। तो फर्स्ट लॉ लगेगा भैया, इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात आई समझ, क्लियर हुआ कंफ्यूजन जो भी रहेगा आपका छोटा मोटा? यस हेलो हेलो, सर। एनी डाउट? नो सर। नथिंग, आगे बढ़े फिर। चल ये क्वेश्चन लेना तो जरा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। स्ट्रिंग सर स्प्रिंग दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। यस समवन से समथिंग वो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। कर लिया ना भाई, एक्स निकालना था ना, फाइंड द ओ यस सर, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग तो 1 m। हेलो हो यस सर, गया था क्या? यस सर, नहीं सर, वो आपको कांस्टेंट इक्विलिब्रियम का सिखा रहे थे, तो अरे देखा पहले ही नहीं। सॉल्व कर दिया था ना बेटा मैंने, सॉल्व करके फिर उसको डाउट आया तो इक्विलिब्रियम सिखाया। ठीक है डोंट वरी। यस ठीक यस है तो देखो यहाँ पे एफबीडी बनाओ उसका, उसको स्ट्रेच किया है ना, लंबा खींचा और एक एफबीडी बनाया, लंबा खींचा ऐसे और खींचने के बाद एफबीडी बनाया। एफबीडी में क्या हो रहा है, नीचे 10 g ऊपर, यस खत्म। तो पहले उसको यस सर, इक्विलिब्रियम में लाओ, जब उस पे kx एक्ट करेगा तब लाओ ना। तो यहाँ पे kx एक्ट कर रहा है क्या ना, ऐसे समझो जस्ट अटैच किया, जस्ट अटैच किया, तो अटैच करने के बाद नीचे आ सर गया। अरे जब तक नीचे नहीं आएगा मुझे बताओ ऊपर कैसे जाएगा, kx एक्ट करेगा क्या? यहां तक नहीं। उसको खींचा, ये मास लगाने की वजह से वो यहां तक आया, फिर kx उल्टा एक्ट करेगा, तब तक थोड़ी ना करेगा, तो वहां तक लेके आना उसको। क्लियर है बच्चों सब लोग? यस सर, चलो देखो जब भी स्ट्रिंग और स्प्रिंग में कंफ्यूजन है ना, स्ट्रिंग और स्प्रिंग सेम होता है, ठीक है, हल्का फुल्का डिफरेंसेस है, डोंट वरी। देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। ओके बहुत
टाइम दे करके मैंने ये शीट्स बनाए हैं, बेसिक से एडवांस तक हर कॉन्सेप्ट पे हर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, तो आप ध्यान अच्छे से दो, और छोटे छोटे नुआंसेस रहते हैं उसको समझ लेना, बस दैट्स इट। ओके, बाकी तो करना वही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। ओके, चलो, फाइंड आउट द एक्सिलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक इन द फिगर शोन। एट द इंस्टेंट 1 kg ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम द 2 kg, 1 kg ब्लॉक फॉल्स ऑफ फ्रॉम द 2 kg ब्लॉक, है ना? 2 kg ब्लॉक है, फिगर देख लो यार क्या दिख रहा है, 2 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक के ऊपर 1 kg का ब्लॉक है ना? और ऐसा समझो कि 1 kg का ब्लॉक गिर गया, तो 1 kg का ब्लॉक गिरने के बाद फाइंड आउट द एक्सिलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। अब 2 kg ब्लॉक का आपको एक्सिलरेशन निकालना है, मतलब यार सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, है ना? चल यस सर। ना, अंडरस्टैंड कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको। FBD बिफोर 1 kg ब्लॉक फॉल्स, 1 kg ब्लॉक फॉल होने के पहले का FBD देखो क्या है। अच्छा, इसको समझ लेना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये, मतलब हमने उसको स्ट्रेच कर दिया, मतलब स्ट्रेच करने के बाद हम उसका डायग्राम बना, स्ट्रेच करने के बाद ये स्ट्रेच पोजीशन में है, स्ट्रेच पोजीशन, ठीक है? क्योंकि बार बार कौन डायग्राम ड्रॉ करेगा ना, देखो यार हमने इसका डबल से ड्रॉ किया, ऐसे बार बार डबल डबल क्यों ड्रॉ करना है, ऐसे समझो कि हाँ हमने खींचा उसको, अब वो एक्सिलरेशन उसका होने वाला है ऊपर की तरफ, तब चलो तो इसका FBD यही बना लेते हैं। ओके, ये हटाता हूं मैं, ठीक है, यहां लिख देंगे हम लोग पहले बना लेते हैं फिर लिखते हैं। यहां ध्यान देना जरा, इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट करेगा गाइस, प्लीज बताओ, कम ऑन बोलो यार, आप जी बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। सर, 2G। अरे 3G रे बाबा, अरे 3 kg है अच्छा, ना, यस वो सर। दो ब्लॉक चिपके हुए हैं, तो उसको एक ओके सिस्टम सर, कंसीडर करो। ग्रेट, चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके तो सर। 3G नीचे की तरफ, 3G नीचे की तरफ, ऊपर 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 गेस, परफेक्ट। चलो ग्रेट, इसका बताओ जरा, इसका बताओ, नीचे 3G, ऊपर देखो टेंशन, ऊपर, टेंशन, यस अच्छा सर। स्प्रिंग है ना यहाँ पे, टेंशन, और दिस इज FBD बिफोर, FBD बिफोर ब्लॉक फॉल्स, धीरे धीरे सिखा रहा हूँ यार फुर्सत से, बिफोर द ब्लॉक फॉल्स। अब 1 kg का ब्लॉक गिर गया, अब 1 kg का ब्लॉक गिर गया, तो यहां बनाएंगे फिर से, अच्छा यस, अब सिर्फ एक ही ब्लॉक है भाई, इस पे एक ही ब्लॉक है यहाँ पे, इस पे और इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, यस एक काम करते हैं, है ना, टू इसके जी इक्वेशंस भी लिख देता हूँ इधर, कॉन्सेप्ट समझाना है ना, तो इक्वेशंस भी लिखे, यहाँ पे आ जाओ, इसका इक्वेशन बताओ मुझे पहले। ओके, चलो सर, 1 kg तब लोग इतने नॉर्मल फोर्स में अलाउ नहीं कर 2 kg वर। किस चीज का, अरे वो जितना लगाएगा वो उतना उसको भी लगा देगा, तो दोनों का काम तमाम, दोनों का काम अच्छा खत्म, ओके समझा क्या? तो उसको मैंने कंसीडर नहीं किया, अरे वन ने जितना नीचे लगाया, टू ने उतना ऊपर लगाया, खत्म, भूल जाओ ना उसको, कंसीडर दिस एज अ सिस्टम, दो हमने देखा ना, चिपका दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो नॉर्मल वॉर्मल वहां पे हम कंसीडर ही नहीं करते, समझा समझा, अदरवाइज लगाएगा ना, बट हम कंसीडर नहीं करते। ओके चलो यहाँ पे देखो, तो इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्विलिब्रियम फोर्सेस देखो, तो kx कितना है गाइस, kx इज इक्वल टू 30 N, हाँ कि नहीं? 3g, g की वैल्यू 10 डाल करके सॉल्व किया,
है ना, एट टी इज इक्वल टू जीरो, देखो एट टी इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जस्ट लिखा है अभी, तो के एक्स इज इक्वल टू 30, ओके। यहां जाओ, यहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम में, टी इज इक्वल टू 30, टी इज इक्वल टू 30, डन। नाउ नाउ इन दिस केस बताओ, नीचे की तरफ 2g, ऊपर की तरफ kx, दूसरे के लिए स्प्रिंग लगाया, नीचे की तरफ टू जी एक्स है ना, ऊपर की तरफ एन जी। टी क्या इक्वेशन लिखूं, एक्स प्लस 20। 20 30 30 सो कैसे स्प्रिंग को नीचे किसने खींचा, उनको नीचे किसने खींचा? यस, 3 ब्लॉक केजी फोर्स ने। डिस्प्लेस किसने किया, 3 केजी फोर्स ने, हाँ कि नहीं? तो रिटर्न में फोर्स कितना लगेगा, 3 केजी। बेसिकली बेसिकली जो स्प्रिंग है ना, उसको नहीं पता 1 केजी का ब्लॉक गिर गया है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जाना है ऊपर, उसको जाना है ऊपर, है ना। तो यार उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो चुका है, उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो चुका, यस, उसमें इतना फोर्स डेवलप हो चुका, kx इज इक्वल टू 30 का फोर्स, रिटर्न फोर्स उसमें डेवलप हो चुका, उसके बाद 1 केजी गिरा है ना, तो उसको क्या पता 1 केजी गिरा हाँ कि नहीं? तो उसमें तो इतना फोर्स डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग, है ना। यहां पे बच्चों टेंशन अभी भी 20 ही रहेगा, यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ 30 है ना, यहाँ टेंशन 20 रहेगा। भाई इसको रिटर्न नहीं जाना है, इसमें का टेंशन कम हो गया, इसमें का टेंशन कम हो गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बोलो समझ में आ रही है बात? पर एक और बार समझाना कि ये 30 न्यूटन की है। देखो यस यार, सर 30 न्यूटन ने, 30 न्यूटन ने स्प्रिंग को नीचे खींचा, अब 1 केजी गिर गया, अब 1 केजी गिर गया, लेकिन ठीक है, अच्छा देखो ये खींच लिया, यहाँ पे खींच लिया, कितना रिटर्न फोर्स डेवलप हो रखा है, देखो मैंने ऐसे पकड़ के खींचा, 30 न्यूटन के फोर्स से पकड़ के खींचा, ओके, और पकड़ रखा है, अभी भी पकड़ रखा है, 1 केजी ब्लॉक गिर गया, ठीक है, लेकिन देखो गिरने से पहले, ये खींचा, गिरने से पहले कितना फोर्स उसमें ऊपर की तरफ डेवलप हो गया, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन डेवलप हो गया, अब ब्लॉक गिर गया, तब भी 30 न्यूटन जो डेवलप हुआ है वो तो वैसा के वैसा है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो 30 न्यूटन से ऊपर जाएगा। आई बात समझ, नहीं आई बात समझ? सही यस, तो बच्चों वो फोर्स डेवलप हो रखा है वहां पे, राइट, ब्लॉक गिरने के बाद भी, क्योंकि अब उसको ना रिटर्न जाना है, तो इसकी वजह से, राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस ना ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, ओके, तो बात समझना, छोटी छोटी चीजें, ओके फाइन, चलो अब लगा दो यहाँ पे सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, नीचे की तरफ कितना फोर्स 2g, ऊपर की तरफ कितना फोर्स 30, यस, एफ नेट इज इक्वल टू, अरे अरे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, 30 ऊपर नीचे 20, ऊपर जाएगा ना भैया, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ए इज इक्वल टू 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर, है ना, यस, इसका एक्सेलरेशन बताओ कोई मुझे, 0। भैया ये कहीं नहीं जाने वाला, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये अभी भी इक्विलिब्रियम में बैठा है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऊपर थोड़ी जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है हमारा स्प्रिंग वाला ऑब्जेक्ट, क्लियर है गाइस? सो और ना टेंशन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी होता है, खैर इसकी जरूरत पड़ेगी तो बताओ,
दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन द क्लियर है 30 न्यूटन वाला फंडा क्लियर हुआ कि भाई इस पे अभी भी 30 Q एक्ट हो रहा है 20 नहीं। यहाँ पे ना अपने हैंडराइटिंग में अपने वर्ड्स में वहां एक्सप्लेनेशन लिख दो कि ये सारा रिवीजन कभी नहीं होगा फिर से, पूरे 2 साल कभी नहीं होगा और ना ही ये वीडियोस अवेलेबल रहेंगे मुझे डिलीट करने होंगे। इस पे सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स में डेफिनेटली मैं रिवाइज करवाऊंगा लेकिन फिर इतना डिटेल में नहीं होगा कि एक छोटे से क्वेश्चन पे मैंने आधा घंटा दे दिया। समझ आया एवरीबडी? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम एवरी वन। यस सर, यस बोले तो आगे बढ़े। यस चलो, अगला सवाल। अच्छा, इससे पहले ना शायद थोड़ा इजी वाला कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा हल्का फुल्का इजी वाला कुछ क्वेश्चंस ले लेते। इजी मतलब सभी इजी है लेकिन एकदम बेसिक सा, एकदम बेसिक सा। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट। ओके, ये लगा दिया एक स्प्रिंग और स्प्रिंग से लगा दिया एक मास और इधर से लगा दिया एक मास। इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg ना। आपको पूछ रहा है फाइंड द फोर्स या टेंशन, फाइंड द फोर्स और टेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग। यस, या फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग, बेसिकली FSP पूछा है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब बस छोटा सा एक चीज समझना, ये 4 kg है, पुली है, ये पुली है। ओके, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। भाई FBD बना दो सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं लेना, अब तुमको फोर्सेस सारे पता है ना, चलो FBD बना देगा। इसका FBD नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 4G है ना, ऊपर की तरफ टेंशन T इन द स्प्रिंग। जितना टेंशन इधर रहेगा उतना ही टेंशन इधर भी रहेगा, T, और जी नीचे की तरफ जी है ना। ये मास बड़ा है, ये मास बड़ा है, करेक्ट? तो मतलब लेट्स अज्यूम कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और ये वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन ए भी पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड द एक्सेलरेशन भी लेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ए ऑफ द ब्लॉक, ऑफ द ब्लॉक और स्प्रिंग का टेंशन पूछा, खत्म हो गया। और ये पुली ले लो, अभी पुली का FBD बना लो। पुली 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 का अभी तो FBD बनाना पड़ेगा, ये येलो से बनाता हूँ। पुली के FBD में नीचे टेंशन T, इधर से टेंशन T और ऊपर से KX, ऊपर से KX। क्लियर है सब लोग? स्प्रिंग फोर्स लिख दूं क्या वहां KX के बदले, क्योंकि आपको KX की जरूरत नहीं है यार, उन्होंने एक्सटेंशन पूछा है क्या? नहीं, तो KX के बदले हम लिख देंगे यहाँ पर, एक्स के बदले हम लिख देंगे यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा। भाई पूरा सिस्टम ऐसा नीचे आएगा ना, पूरा सिस्टम वो पुली के साथ साथ स्प्रिंग को ऐसे नीचे खींचेगा, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ, पूरा सिस्टम नीचे आएगा, स्प्रिंग को नीचे खींचेगा तो पुली के ऊपर फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, जो पॉइंट्स कांटेक्ट में होते हैं उनके ऊपर वो लोग नीचे फोर्स लगाते हैं, है ना। आप लोग यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स KX, क्योंकि KX की जरूरत नहीं है, KX जब लिखने की जरूरत पड़ेगी तब लिखना, जब एक्सटेंशन पूछा है तो, नहीं तो टेंशन की तरह KX की जरूरत है तो KX डाल देना, चलेगा सबको, है ना। अब चलो FBD बनाते हैं यार, ये 4 kg वाले का FBD देखो, 4 kg, 4 kg की कहानी क्या चल रही है, कौन सा फोर्स ज्यादा है? नीचे, है ना, तो 4G माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो 4A लिख दू क्या? हेलो एवरीवन, चलेगा? टी इज इक्वल टू हाँ 4G माइनस 4। सर, एनीबडी एनी डाउट इन दिस? रेस्पॉन्ड करते जाओ यार फटाफट, है ना। यस, 2 kg वाले की कहानी, ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा, टी माइनस 2G इज इक्वल टू, है ना,
तो E इज इक्वल टू टू जी प्लस टू ए। नहीं, यार ये टेंशन टेंशन सेम है क्योंकि स्प्रिंग सेम है, इक्वेट कर दो दोनों को, 4G माइनस 4A इज इक्वल टू 2G प्लस, एक साइड लेकर आओ दोनों को, 6A इज इक्वल टू 2G है ना, इज सिक्स इक्वल जी बाय इतने से लॉक ऊपर सर, निकला आपकी है आवाज या ब्रेक हो राइट रही से है। लॉक। मेरा आवाज बोल रहा है क्या कैमरा क्या? चालू नहीं समझ हुआ, गया एफ अभी बंद हो बी गई। यस सर। समझ गया। आज दोनों स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, आवाज आ रही है क्या मेरी लाउड एंड क्लियर एवरीवन? यस सर। सर तो ये कितना हो जाएगा, 2G को इधर लेके आओ, 2G इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू जी बाय थ्री है ना। कुछ भी अलग नहीं किया अभी तक, हजार बार ऐसे करते आए हम लोग। यस और नो, कंसीडर पुली का एफबीडी, नीचे की तरफ पुली पे कितना फोर्स है 2T, नीचे की तरफ पुली पे फोर्स है 2T और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, तरफ कितना है स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 2D, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 2D, तो 2D इज योर आंसर। अब T की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो स्प्रिंग फोर्स के बदले आप डाल दो, लेट्स से आई गिव यू अ वैल्यू, मैं वैल्यू देता हूँ क्योंकि टेंशन नहीं है ओके। इसके लिए K का वैल्यू ले लो 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है इतना वैल्यू ले लो खत्म। और एक्स का वैल्यू भी क्लियर रहेगा तो डोंट वरी अबाउट दैट है, या छोड़ ही दो ना, इतना 2T, 2T इज योर 2T, कितना फोर्स है 2T फोर्स है, दैट्स इट क्लियर है। चलो निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो कैसे, ये ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो है ना, टी एस पी इज इक्वल टू टू इंटू टी क्या है 4, चलेगा 2G प्लस 2A, 2G प्लस देखो 2G बाय 3 है ना, K की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, हटा दो इसको। क्लियर है? यस यस सर। 8G बाय इनटू 8G बाय बाय सबको एंड दैट इज द फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इतना स्प्रिंग फोर्स उसमें डेवलप होगा, ठीक है ना। चलो टेंशन नहीं, देखो तो जरा और देखो, सारे करेंगे सब समझ में आता जाएगा, और आता जाएगा, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझ जाएगा। अच्छा क्या बोल रहा है ये, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बहुत जरूरी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऑल ब्लॉक्स आर ऑफ मास एम एंड ऑल स्प्रिंग्स आर ऑफ कांस्टेंट के, सारे स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट है के और सारे ब्लॉक्स है इक्विलिब्रियम में, ठीक है चलो सबका एफबीडी बना लो और कोई टेंशन नहीं। चलो आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट वंस, ऐसे ही ट्राई करो, टेंशन नहीं लेना, ट्राई तो करो, देखो क्या कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेट अस सी। चलो करो तो जल्दी से, कुछ तो लिखो, कुछ तो बनाओ, जितना हो रहा है जितना बन रहा है उतना मत, कोई टेंशन नहीं, बट डू समथिंग, कम ऑन। सर सर दोनों स्प्रिंग में फाइंड करना है। ओके हाँ दोनों स्क्रीन, सर।
देखो गाइस, एक जीरो फोर, यहाँ ध्यान दे तो सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यार, लाइक बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ देखो, ये है पुली, से एक स्ट्रिंग आया, ओके, यहाँ पे लेट्स से ग्राउंड ले लो, यहाँ से एक स्ट्रिंग आया और फिर स्प्रिंग चालू हो गया और फिर ऐसा एक मास यहाँ से। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मास है गाइस, अच्छा इसको थोड़ा बहुत बड़ा बना देता हूँ मैं सर, बड़ा बना। और प्लीज ध्यान देना, ओके, ये यहाँ से आया एक स्ट्रिंग, यहाँ से आया एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को है अटैच्ड एक स्प्रिंग। यार तुम स्ट्रिंग कंसीडर करो या स्प्रिंग कंसीडर, पता है कोई नहीं था। ये मास इसके ऊपर तरफ टी, यस, अरे ये इतने पार्ट में टी टेंशन है। पॉइंट सिस्टम कंसीडर करोगे ना तो बड़ा मजा है। पॉइंट सिस्टम, पॉइंट सिस्टम, ये पॉइंट ले, ये पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पास सबकी नजर, ये मास ऊपर की तरफ टेंशन टी लगा रहा, तो इस पॉइंट के लिए नीचे की तरफ टी लगेगा। एवरीबॉडी क्लियर इन दिस? यस बच्चों, यस ये सर। ऊपर की तरफ की वजह से तो t इक्वल टू के एक्स नहीं हो गया, t इक्वल टू के एक्स नहीं हो गया। फिर से बताओ, फिर से बताओ, यहाँ पॉइंट सिस्टम कंसिडर कर, समझ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो नॉर्मल तरीके से भी बता दो, ओके, गैप बना रहे हैं। तो ऐसा स्ट्रिंग दिखेगा नहीं तुमको, बट तुम उसको स्ट्रिंग पॉइंट सिस्टम कंसिडर करो, ये पॉइंट ए ले लो, इस पॉइंट का एफबीडी बनाओ, चलो एफबीडी बनाओ, नीचे की तरफ टेंशन टी, अरे देखो ना, ये टेंशन टी इस पे लगाएगा, एम एम मास ऊपर की तरफ टेंशन टी, यस, तो ये स्ट्रिंग सेम टेंशन से, हाँ कि नहीं, और ये ऊपर की तरफ के एक्स फोर्स लगेगा, हाँ कि नहीं, तो इस पॉइंट का एफबीडी देखो, नीचे की तरफ टी ऊपर की तरफ के एक्स, है ना, टी इज इक्वल टू बात तो समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ, है ना, इसका बेनिफिट कैसे होगा। यहाँ देखो, अब आपका सारा चीज छोड़ दो, ओके, आप लोग आपका सारा चीज यहाँ देखना, डबल डबल के एक्स लेना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम वो हो जाएगी। देखो ये एम जी, एम जी मास एम, उसका एफ बी डी बना लिया, परफेक्ट है, क्लियर है, ओके, पुली, ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ, ये टी ऊपर इधर ना, और इधर की तरफ, अब यहाँ पे पता है तुम लोग नीचे लिख दोगे, हाँ कि नहीं, अरे स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा के एक्स, अरे स्प्रिंग इधर के एक्स लगाएगी, के एक्स लगेगा, और यहाँ पे दो बार के एक्स ले लोगे, तो ये के एक्स ना बड़ा घटिया हो जाता है, करेक्ट, तो कैन आई इंस्टेड राइट दिस, इंस्टेड ऑफ, लेट मी राइट हियर टी, लेट मी राइट, जो टी यहां पे रहेगा, जो टी यहां पे रहेगा, दैट इज के एक्स हियर एंड दैट इज द टी 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 हियर। तो इससे अच्छा ये घटियापंती करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं यार, सही का तो वो है, शॉर्टकट बता रहा हूं, नीचे देखो एम जी इस पे नीचे की तरफ, ओके ग्रेट, और ऊपर टी चिपका दो ना यार, कोई टेंशन नहीं, है ना, टी चिपका दो और यहां से लिख दो टी इज इक्वल टू एम जी, हाँ कि नहीं, और बच्चों के एक्स इज इक्वल टू टी, तो के एक्स इज इक्वल टू एम जी, के एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी, यस और नो, या तो फिर मैं और एक तरीका बताऊंगा अगर ये टफ लग रहा है या कंफ्यूजिंग लग रहा है तो, ओके, इस पुली को देखो, तो इसके पास इसमें देखो टेंशन, नीचे की तरफ टी, इधर नीचे की तरफ टी और ऊपर की तरफ एक्स, के इज इक्वल टू टू टी, है ना, बट टी इज इक्वल टू एम जी, यस, के इज टू एम जी बाय एक्स, दिस इज योर
आंसर। दिस इज योर फॉर द, ये वाला टीका आपको निकालना है, समझ में आ रहा है? चल अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो और एक बता देता हूँ, सिंपल सेम रखूंगा बच्चों में, ये एम जी नीचे की तरफ है ना, एम नीचे की तरफ ऊपर की तरफ के एक्स, यहां पर लिख देना के एक्स इज इक्वल टू एम जी और इसको ऐसे मार्क करके रख दो, के एक्स इज इक्वल टू एम जी आखिरी तक इसको ऐसे मार्क करके रख दो। अरे देखो ना ऊपर के एक्स नीचे एम जी दोनों बैलेंस इक्विलिब्रियम में, दोनों बैलेंस थे इक्विलिब्रियम में, अरे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रखा है ना भैया। ओके और अब ये पुली को ले लो, ये पुली में नीचे टेंशन टी, इधर से के एक्स और ऊपर से, हाँ कि नहीं? अब ये टी फंस गया ना भाई, कोई टेंशन नहीं ना भैया, कोई टेंशन नहीं, ये तो सेम जा रही है इधर, सेम इधर जा रही है, तो टी इज इक्वल टू के एक्स नहीं हो गया, तो टी इज इक्वल टू के एक्स, तो टू टी इज इक्वल टू के एक्स, टू टी इज इक्वल टू के एक्स, हाँ कि नहीं? बट टी इज इक्वल टू के एक्स है ऑलरेडी, है ना, और के एक्स इज इक्वल टू एम जी है ऑलरेडी, तो टू इंटू इस टी के बदले के एक्स डाल दिया और टू इंटू इस के एक्स के बदले एम जी डाल दिया इज इक्वल टू के एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं इज इक्वल टू टू एम जी बाय, है ना, यू चूज आप क्या करना चाहते हो, दिस इज मच बेटर। अरे समझ में भी आ रहा है क्या चल रहा है? हेलो एवरीवन, यस सर, समझा। पक्का? तो देखो के एक्स के झमेले में मत गिरो, है ना, टी लिखो आखिरी में, टी इज इक्वल टू के एक्स डाल देना क्योंकि सब तरफ वैसे ही आ रहे हैं। अच्छा एक और देखो, एक और हो, चलो मैं ही करता हूं, आप लोग नहीं करो, ध्यान ध्यान, है ना, मास एम को ले लो भैया, एम नीचे की तरफ एम जी ऊपर की तरफ टी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, पुली को उठाओ, पुली को उठाओ, इधर की तरफ टेंशन टी, इधर की तरफ टेंशन टी, अरे ये टी है ना, और ऊपर की तरफ एक्स, देखो यार पिछले डायग्राम में और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे स्प्रिंग था, स्प्रिंग के बदले मैंने यहाँ पे ऐसा ले लिया, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों सेम है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, के एक्स इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू के एक्स, तो के एक्स क्यों लिखे, लिखो यार सीधा सीधा, तो सेम टू सेम है ना, के एक्स इज इक्वल टू टू टी और यहां से टी इज इक्वल टू एम जी, के एक्स इज इक्वल टू टू इंटू एम जी, के इज इक्वल टू टू एम जी बाय एक्स, है ना, एक्स सेम चीज है दोनों भी, ऐसा राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टी है तो ये भी यहाँ बैलेंस हो गया बच्चों टी से, है ना, तो यहाँ टी इज इक्वल टू के एक्स है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्ट ही टी लिख दो तो भी चलेगा, बोलो सही में समझ आ रहा है सबको? सर चल तो फिर ये डीआईवाई में आ जाओ। ओके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों का आंसर निकाल के मुझे बताएंगे अभी, चल पटा, अगर सही में समझ आया होगा तो तीनों का आंसर निकाल के बताएंगे अभी और फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा, चलो। अच्छा इस ब्रेक के बाद का जो सेशन रहेगा दैट विल बी स्पेशली फॉर जेईई एडवांस, ओके, एकदम टिपिकल जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए, तो जो लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं आई गेस है क्या ये लोग, तन्वी एंड, यस तन्वी एंड ईश्वरी, आर यू देयर? सर, मैं करूं पहले या फिर ओके अटेंड, ब्रेक के, हाँ सर क्या फिर हुआ? अटेंड। इट्स अप टू यू बॉस, इट्स अप टू यू, है ना, नीट में भी तो लगेगा ना, यस ऐसे सर। क्या कर रहे हैं भाई, है ना, हाँ हाँ सर, हाँ सर, ब्रेक के बाद का जो टॉपिक रहेगा जो कंटेंट रहेगा दैट हैज नथिंग टू डू विद योर बोर्ड एग्जाम्स, ओके, सो यू कैन स्किप दैट सेशन तन्वी एंड ईश्वरी, इट्स ओके, बट मैं फिर भी दोनों को एडवाइस करूंगा, बैठ जाओ ना यार क्या फर्क पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस मत करना आप, लेकिन समझ के तो ले लो, है ना, सीख लेगा यार उस, तो और थोड़ा हाइपोथेटिकल भी है वो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसके नहीं है, तो ठीक है एनीवेज अप टू यू, ओके गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 अब भी करके बताओ, करो तो का आंसर बताएं मुझे,
अच्छा ये डायग्राम्स भी आप बोर्ड के लिए नहीं है, ओके, दीज आर प्योरली फॉर जेईई मेंस, सिंपल नहीं आता है बट उसकी प्रैक्टिस है ऐसे। फर्स्ट वाला हुआ क्या? देखो इतना टाइम नहीं लगे बच्चों, बहुत सिंपल है। सॉरी फाइंड एक्सटेंशन में पूछा। एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो प्लीज, सर ओके, यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट वाला देख लो यार, फर्स्ट वाला बता दो, है ना, क्या है यहाँ पे? ये MG नीचे की तरफ, ओके, ये टेंशन T, ओके, इधर की तरफ KX। अरे भैया यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, तो यहाँ भी टी, इसको एक्सटेंड करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बच्चों, आराम से प्यार से, ये टी है ना, बट यहाँ पे के एक्स, स्प्रिंग इधर लगाएगा नीचे के एक्स, है ना, तो टी इज इक्वल टू के एक्स नहीं हो गया क्या इस पॉइंट पे? यस और नो गाइज, यस और नो, है ना, तो लुक एट द होल बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर, सर ये पुली का डायग्राम, यहाँ टी, ओके, यहाँ पे के एक्स और यहाँ पे टी, यस और नो, और ये टी, फिर से यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, आराम से प्यार से, ये एम जी नीचे ऊपर की तरफ टी टेंशन, ठीक है, तो mg इज इक्वल टू t इन इक्विलिब्रियम, ओके, पुली को देखो, पुली को देखो, सब लोग मेरे पास ध्यान देंगे, इधर की तरफ t, इधर की तरफ t और नीचे की तरफ एक टेंशन कुछ, है ना, ये टेंशन t रहेगा, t इज इक्वल टू t प्लस kx, हाँ कि नहीं? पुली को देखो बच्चों, इधर एक t और नीचे एक t, टी इज इक्वल टू टी प्लस के एक्स, लेकिन ये टी किसके इक्वल है? के एक्स के, हाँ कि नहीं? टी इज इक्वल टू के एक्स एंड ये टी इज इक्वल टू एम जी, जैसे भी आप करना चाहो, है ना, तो ये टी इज इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगा टू के एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू एम जी बाय टू के, बोलो समझ में आ रहा है क्या? पक्का सच में यस सर गाइस प्लीज, ऐसे नहीं बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे भी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आई डोंट वांट दैट टू हैपन। हेलो कैन यू हियर मी? यस यस सर ओके, चलो सेकंड वाला, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं ही बता रहा हूँ, ओके, ब्लॉक एम को देखो, एम जी इज इक्वल टू टी, ठीक है, लिख के रख दो, टी इज इक्वल टू एम जी, इक्विलिब्रियम में है, फर्स्ट लॉ लगेगा, ओके, इस पुली को ले लो बच्चों, इस पुली को ले लो, नीचे की तरफ टी, पुली को नीचे की तरफ टी इज इक्वल टू ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये टी वन लिख दू, यहाँ पे टी वन लिख देता हूँ, चलो ये भी टी वन, हाँ कि नहीं? टी वन इधर सेम स्ट्रिंग है ना, तो वॉइस ऑफ सर टी वन, चलेगा क्या सबको? चलेगा सबको एवरीबॉडी? यस सर यस सर यस सर ये तीसरा वाला पुली ले लो भैया, है ना,
इधर से T2, T2 डाल दू, चलो नीचे से T1, अरे ये T1 तो ये T1, नीचे से T1 और इधर से KX, है ना। सो बच्चों T1 इज इक्वल टू T2 प्लस, इज इट ओके, एवरीबॉडी फाइन कंफर्टेबल विद दिस? स्ट्रिंग चेंज किया तो मैंने ओके बोला सर, चलो टेंशन, है ना। गाइस नाउ अंडरस्टैंड दिस T2 इज सेम एज KX, अरे एक ही पुली पे जा रहा है ना, ये T2 और ये KX। तो स्ट्रिंग और लास्ट वाला स्प्रिंग दोनों एक ही पुली पे है, तो T2 के बदले में KX लिख सकता हूँ क्या? चलेगा क्या? सबको चलेगा क्या? तो ये हो जाएगा KX प्लस KX, है ना। तो ये कितना हो गया, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, T1 के बदले कहना है राइट T/2 इज इक्वल टू 2 KX, T/2 इज इक्वल टू 2 KX, है ना। T इज इक्वल टू mg, अरे भाई T इज इक्वल टू mg ऊपर ही तो लिखा है, इज इक्वल टू 4 KX, X इज इक्वल टू mg/4 KX। पकड़ में आ रही है बात? एक चीज है उसको पकड़ो, बस एक चीज है उसको पकड़ो, वो क्या है कि भाई जिसमें स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों लगा है वहां टेंशन इज इक्वल टू केएक्स, वहां टेंशन इज इक्वल टू केएक्स, फिर से बता रहा हूँ ना, ये ऐसा है, खचा 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 खचा, ये ठीक है गाइस, ये यहाँ पे लगा दिया, ये पुली है, ये पुली को देखो, इधर से टेंशन टी, इधर से टेंशन, है ना, बट यहां से स्प्रिंग पुली पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, हाँ कि नहीं? यस यस, दैट इज नथिंग बट, मेरी बात मानो, मेरी बात, एक सिंपल चीज मानो, एक सिंपल चीज मानो, जहां पर भी पुली से स्प्रिंग कनेक्टेड रहेगा वहां टी ना लिख करके आप केएक्स लिख, वहां टी नहीं लिख करके आप केएक्स लिख, चलेगा क्या? कितना चलेगा? वही कर रहे हैं हम, यस सर, क्या जहां जहां स्प्रिंग और टेंशन आया है, जहां जहां स्प्रिंग और टेंशन आया है, टेंशन कैसा होता है यहाँ पे, टी होता है ना, तो आपको उस टी के बदले केएक्स लिख देना है, नीचे उस टी के बदले केएक्स लिख देना। आ रही है क्या बात समझ? रिप्लाई नहीं आता है यार, या तो यस नो बोल सर, दो यार चलेगा, है ना, नो बोलोगे तो भी चलेगा मुझे, बट बोलो कुछ। ओके, तो आगे का पार्ट यार आप लोग खुद से कर लेना, दैट्स इट सेशन फॉर टुडे, बिकॉज ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता भाई मैं, है ना। सो डू इट योरसेल्फ का एक्सरसाइज देख लो एक बार, या डू इट योरसेल्फ का एक्सरसाइज एक बार देख लो, और ये आप लोग खुद से कर ठीक लेना, ठीक है। पीछे का एक्सरसाइजेस देख लो, ओके। ये वैसे भी जेई एडवांस का टॉपिक है, आप लोगों को कुछ पता नहीं मुझे, क्योंकि नहीं बोलो तो मुझे चलेगा, और ऐसे स्टूपिड की तरह चुप बैठोगे तो मैं नहीं सिखा सकता, मुझे बहुत बोर होता है पढ़ाने में, ओके। अच्छा मैं सो जाऊंगा। चलो तो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कट करने का, दिस इज द जेई एडवांस टॉपिक, फिर कभी अगर तुम्हारा मूड रहेगा सीखने का तब हम लोग सीख लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये होमवर्क कर लेना, ये पेज आ जाएगा आपको, और इसमें से देख लो जो आएगा वो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, ओके क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये शायद आए नहीं आए, ट्राई कर लेना, 4th इज आराम से आएगा, चेक करो ट्राई करो, इट्स अप टू यू, ओके। 5th क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, एकदम सिंपल सिंपल डाला है मैंने, ओके। ओके, मैं इसका आंसर डाल करके आपको फाइल भेज दूंगा, आफ्टर द ब्रेक, सी यू गाइस, कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना, ठीक है, बाय बाय। ये सिर्फ ओके सर, क्लास के बाद होगा, ब्रेक के बाद होगा ना क्लास?